को पूर करें। तो सुबह हो चुकी है, नहा धोकर बिल्कुल तैयार हूँ फर्स्ट क्लास, किट हो गई है नहाने के लिए, और आज जाना है बाबू को फिर से रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर। तीन चार दिन गाड़ी खरीद गाड़ी हालत भाई साहब, दोनों मिलके दम तैयार करने में लगी हुई हैं। क्योंकि बच्चा मेरा बहुत ज्यादा पहले से जिद्दी हो गया है, तो बड़ा अपने पापा की तरह। बेटू बेटू देख, ये जब मेरे पास था। नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं बेटू नहीं, अब ये समझदार हो रहा है ना। तो गाइस हम लोगों ने फाइनली इंजेक्शन लगवा लिया है, 11:30 बज गए और पेनलेस वाला लगा हुआ है। नींद देखा छोटा मौसी, किट्टो का चेहरा कैसे बदल गया भाई, कपड़े ने हद ही मचा रखी, पहले पहले किट्टो ने पहना फिर बेटे ने पहना। हे गाइस गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। तो सुबह हो चुकी है, नहा धोकर बिल्कुल तैयार हूँ फर्स्ट क्लास, किट हो गई है नहाने के लिए, और आज जाना है बाबू को फिर से रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए। हाँ रूटीन चेकअप के लिए, डॉक्टर ने रूटीन चेकअप के लिए नहीं बुलाया था, तुम क्या सोचे कुछ और मैं बोल रहा हूँ तो? अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है। और गाइस बाबू फर्स्ट क्लास मालिश वालिश हो गए, बाबू अभी सो रहा है, तो एक बार हम लोग और दिखा लेंगे तो ठीक रहेगा। अभी मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, मैं दिखाता हूँ, गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, गाड़ी को एक बार साफ कर लेता हूँ। तीन चार दिन गाड़ी खरीद गाड़ी हालत भाई साहब, चलें जल्दी, बबुआ को तैयार नहीं की हूँ, जल्दी करो लेट ना हो जाए, मैडम बोली जल्दी आना, 10:30 का टाइम दे दिए। चलो नाश्ता कर लो। तो गाइज यहाँ बाबू तैयार हो गया, मौसी और मम्मी दोनों मिलके दम तैयार करने में लगी हुई हैं। क्योंकि बच्चा मेरा बहुत ज्यादा पहले से जिद्दी हो गया है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। बड़ा पापा की तरह जिद्दी हो गया। अरे बाप रे, तो लेट ना करो, पहले इसका दूरी रख ले भैया। किट्टो का ड्रेस गाइस आज आप लोग देखिए, अच्छा लग रहा है हमको, तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं कैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बताएंगे हम लास्ट में कैसी लग रही हो, क्या लग रही है। तो गाइस किट्टो और मैं, भगवान जी अच्छा करें, भगवान जी मां भैया कर अच्छा करें, भगवान जी अच्छा करें, भगवान जी भैया करें, मेरा जब और चड्डी वाले का क्लिप लगा दे गिर जाए ना गिरे। तो गाइस हम लोग बाबू को लेकर के निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए, रो तो नहीं रहा है, हवा लग रहा होगा उसको, बोले हो क्या, घर खुला हुआ है बंद कर दिया। बेटू 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 देख रहा है, ये भी लड़का देख, इधर गाड़ी चला रहे तेरे बड़े पापा देख, ये देख गाड़ी, गाड़ी कौन चला रहा देख, ये जब मेरे पास था। नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं बेटू नहीं, अब ये समझदार हो रहा है ना, हाँ अब ये बड़ा हो रहा है ना। करा मेरी गोद से अपने पापा की गोद में चला गया। रेड एफएम बजाते रहो, अच्छा कहो आ मत बोलो उससे, अच्छा देखो देखो नहीं बोले, अच्छा चलो देखो देखो, जब दिन का दिन बढ़ाते जा रहे हैं तो अपने आप को एडवांस बनना है, आगे वाली सीट पे बैठेगा फिर ये पीछे नहीं बैठेगा। तो गाइस हम लोगों ने फाइनली इंजेक्शन लगवा लिया है, 11:30 बज गए और पेनलेस वाला लगा हुआ है, नींद आ रही इसके सो जाएगा ये, बस आईज से थोड़ा से क्लियर करना है। जान बेटू जान बुला के, बेटू बेटू तो बाबू का इंजेक्शन लग गया और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, आराम है, रो नहीं रहा ना, अरे अभी अभी थोड़ी ना पता चलता है, एक घंटे बाद होएगा, ऐसे से क्या करेंगे ना बेटू। A
few moments later. तो गाइज हम लोग आ गए डॉक्टर के पास से, लेकिन लिली आते ही बाबू खूब खिलाए ना, तुम क्या क्या पर स्टडी करके आया बेटू? अरे नोजी देखो क्या बोलो, चलो खा लो खाना। अरे चावल खाओगे, कुछ और नहीं खाओगे? अरे चलोगे हमारे साथ? चलोगे? चलो कहा, ना कहा? जा हमारे फ्लैट पे। नहीं मेरा मन, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। चलो ना लिल्ला। क्या कल स्कूल है? कल स्कूल है, छोड़ो ना, छुट्टी कर लो। नहीं क्यों, कल की छुट्टी की, कल के बाद भी छुट्टी थी। चलो अच्छा खा लो। तो गाइस खाना निकल चुका है, दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड रायता सलाद। तो गाइस किट्टो का कपड़ा इतना ज्यादा लिलिया को पसंद आ गया, लिलिया पहन लिया। बोल रहा है कि चोकर देखा ना दादा, ये सब इसमें कौन से शर्माने वाली बात है? छोटा मौसी तू सो मैं तू सो तू सो हम बोले बाबू का डायपर ला दो। सही में बहुत कला लड़का ने कर रही है जा तू ना लाई के देखा था जब बनाए ऐसे बाबा दे दे नोट 56 की मशीन सबकी बजा दो बीर। ये गाना हम लोग तब सुने थे जब गोलू सुनाया था ना जी। गाइस तो हम लोग जब आए तो बाबू रो रहा था, लेकिन अभी बाबू थोड़ा सा शांत हुआ है, सो रहा है इसलिए शांत है। तो सोच रही कुछ ना कुछ कोलेशन की चीजें कर ही लेती। तो गाइस मैंने अभी यहाँ से देखा क्या उल्टा पहनी हूँ। सही है, उल्टा पहनी हूँ। कॉलर दे देखो पहले। उल्टा पहनी नहीं, कॉलर तो देखो। उल्टा मतलब सही था ये चीज के उल्टा? अरे सही तो पहनी हो, सही में बेवकूफ है। यहाँ से पता चलेगा ना तुमको? हाँ हाँ देख लिए सही, सही तो है। अरे यहाँ से लग रहा था ना ये चीज उल्टा है, ये चीज उठा हुआ है। अरे वे सोबू चचा चचा करे लगे हैं अंकल, थोड़ा सा छोटी मोटवा से मिट्टी इसके बाल खोल के करे ना। कहाँ पहनी जानू इस यही किचन में, यहाँ और कहीं नहीं, यही पहन कर आएंगे वीडियो। इसका फोटो खींच दो बस, बाल खुले प्ले स्टेशन करे तब चालू करे, चालू बाटे खाली रिमोट चालू। उसको तुम सुना दो सो गया, हम कह रहे सो गया ना। जाए इनका डाइपर लेके आए, इनका पाउडर लेके आए, इनका डूडू लेके आए। तो कहते सुते हुए बच्चा को वीडियो बना, अरे ये सोता है बच्चा है, बच्चा दिन भर सोते ही रहेंगे। वो कर दो क्या बोलते हैं, अरे मोटवा दो जैसे कोई लाला बैठा हुआ। तो गाइस मैं सो के उठा, किट्टो का चेहरा कैसे बदल गया भाई, कपड़े ने हद ही मचा रखी। पहले पहले किट्टो ने पहना, फिर बेटे ने पहना, अब क्या बोलते भाभी ने पहन लिया, अब सोनाक्षी आएगी पहनेगी। सोनाक्षी कमी रह गई है। तू फिर ये वाला पहनेगा क्या? आप पहन के पहनूंगा, पहन ज्यादा अच्छा लगेगा। रणवीर सिंह पहनता है वैसे ऐसे कपड़े, हाँ रणवीर सिंह पहनता है, अच्छा लग रहा है, पिंक कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी बार किट्टू ने कुछ न्यू एंड डिफरेंट ड्रेसेस ट्राई की हैं। हमेशा एक हमेशा साड़ी पहनो, हमेशा सूट पहनो। बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि बॉडी के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए, तो ये तो कोई भी पहन सकता है, ट्रिपल एक्सेल वाले भी पहन सकते हैं इसको। इतना स्ट्रेचेबल है, इतना स्ट्रेचेबल है कि यहाँ से खींचोगे तो दिल्ली से मुंबई तक खींचेगा। ये बॉडी के अकॉर्डिंग क्या क्या, बॉडी मेरी टेढ़ी मोड़ी है, ड्रेस निकला क्यों है आज? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने यही बोला कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी पे ध्यान न दे करके सिर्फ सिर्फ बच्चे पे ध्यान दीजिए, बॉडी ध्यान मत बच्चे नहीं ध्यान। हाँ अपनी बॉडी पे, मैं सोचू मैं मोटी हो रही हूँ पतली हो रही हूँ मुझे लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, सिर्फ और सिर्फ बच्चे पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चा ही आपके लिए भी जरूरी है। सिक्स मंथ तक तो बिल्कुल भी टेंशन, मतलब मोटी हो रही हो पतली हो रही क्या है कुछ भी नहीं सोचना है। उसके बाद तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा क्या तुम्हें करना, तुम्हें तो मैं यूं कर दूंगी, यूं दुबली पतली टेंशन मत लो, तो मेरे हाथ में है। कितने एकदम खुश हो गए कि भाई बाय गॉड लिलिया की तरह करवा देंगे, जिम वाला बनवा दो। खुद ही इतना बड़ा जिम है सोसाइटी में, सोसाइटी के अंदर अब तो स्विमिंग पूल भी आ गया, स्विमिंग करने से वेट बहुत तेज लूज होता है पता तुमको? हाँ हम स्विमिंग खूब करेंगे। जाओ तुम दोनों गोलगप्पे खा के फ्री में खिला देगा गोलगप्पे वाला इसी ड्रेस में। शादी में आए भाई
तो आज किट्टो क्या क्या हुआ, डॉक्टर के पास गए तो बता दो क्या सारा कुछ। यहाँ से पहले तो गए बहुत ज्यादा भटके हैं हम कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है कहाँ जाना है, यहाँ वहाँ, क्योंकि नेविगेशन जो था मैं गलत रास्ता लेके चला गया। बस मुझे एड्रेस दे दिया था और एक्चुअल एड्रेस तो उन्होंने सही से मतलब वो चीज नहीं बताया था, तो वो चीज नहीं हो पाया हमसे। तो उसके बाद जब वहाँ पहुँच गए तो भटकने लगे इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, गली 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 इस जगह हम रोक दिए और उसमें फ्लैट पूरे बने थे लेकिन उसमें कोई रहता ही नहीं था। फिर उसके आगे गए, B4 था ना, B4 में जाना था तो उसके आगे गए, तो फिर B4 बसंत कुंज गए थे हम लोग। हाँ, बिल्कुल मेन रोड पे ही है, नहीं वो सब ना जैसे डीडीए फ्लैट थे, सब बहुत पुराने पुराने फ्लैट थे लेकिन उसके टाइल्स वगैरह अच्छी थी। टाइल्स मैम ने लगवाते हैं टाइल्स लोग वहाँ खोल, वो सब शांति एरिया रहता है, कोई शांति था शांति है, तुम्हारा भी अंदर तो एकदम शांति नहीं रहता है। हमारे यहाँ धूप बहुत आती है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना अभी, हमारा पेड़ पौधा नहीं लगाया है ना, मतलब कंजेस्टेड नहीं है, तुम्हारा कंजेस्टेड नहीं, वहाँ देखो कितनी बिल्डिंगें खड़ी है बगल ही बगल, तो पहले की बिल्डिंग है और अब की बिल्डिंगें गैप दे के बनाते हैं। लेकिन सब जितना बिल्डिंग बना हुआ है ना सरकारी, सब तो बनेगा दिल्ली में भी बनेगा। जितने भी जगह ये सब फ्लैट है सब डॉक्टर इंजीनियर वकील इन्होंने ही ले रखा है। ये जो साकेत में जो है इतने सब फ्लैट देखती हो, सब डीडीए फ्लैट है ये जो मेट्रो के बगल में है, हाँ बहुत महंगा है, तब इतना सब डॉक्टर यही सब लोग ले रखे हैं। अंदर जाओ कितना सजा, कितने अच्छे बाहर से नहीं लगता वो सब। तो गाइज आज बाबू को हम लोगों ने आज फिर एक वैक्सीन लग गया, क्योंकि उस दिन फीवर था, डॉक्टर ने मना किया था लेकिन फिर आज चेक वगैरह किया तो बोली आज लग सकता है। आज जो वैक्सीन लगाया है उसकी जो कीमत थी वो 4600 थी, 4600 रुपये का लगा है, और परसों लगा था 2400 का ना किट्टू, 2400 रुपये का मतलब 2400 और 4600 बताओ। ऐसे इंजेक्शन्स लग रहे हैं, निमोनिया का लगा था और ये जब बच्चा 2.5 महीने का होता है फिर लगता है वैक्सीन, तो वो लगा है। अभी फिर 1 महीने बाद वैक्सीन लगेगा, अभी बोल रहे थे अभी तो बहुत वैक्सीन लगेंगे, काहे परेशान हो रहे तुम लोग, क्यों सोच रहे इतना जल्दी खत्म हो गया, अभी नहीं अभी लगेगा ये। सही है, बच्चे से बढ़ के अब कुछ भी नहीं लगता है, सब कुछ बच्चा ही लगता है। तो अभी बाबू ठीक है, पहले जब आया तो रो रहा था, पेनलेस वाला हमने लगवाया है और इसमें फीवर होने के चांसेस तो नहीं, लेकिन मैम ने बोला था तुम केयर करना, और रो रहा था, अभी तो रो नहीं रहा है, सो रहा है। तो चलिए इस वाले ब्लॉग का एंड करते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, खूब ढेर सारा प्यार दुलारी सिंह जरूर दीजिएगा, लव यू ऑल, बाय बाय।